इस वजह से भी ज्यादा होते हैं कि जो 125 के अंदर इंट्रीम अंतरिम जो गुजारा भत्ता बांध दिया जाता है बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सुनवाई के, सिर्फ केस दर्ज हुआ उसके बाद गुजारा भत्ता, अंतरिम गुजारा भत्ता उसको देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कोई गवाही नहीं के लिए नहीं आता, लड़की को बार बार नोटिस किए जाते हैं लेकिन वो आते नहीं। तो क्या अंतरिम गुजारा भत्ता बंद कर देने से भी केसों झूठे केसेस में कमी आएगी, क्योंकि नहीं, सारा पैसे के लिए ही किया जाता है ये पैसे के सब? लिए होता है। और हमारे देश के सिस्टम में है, लड़का भी एमबीए लड़की भी एमबीए है, लेकिन लड़की एमबीए है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का एमबीए है तो उसे खर्चा देना पड़ेगा। ये गलत है, ये विभेदकारी। अगर दोनों वेल एजुकेटेड हैं तो फिर किसी को किसी से लेने देने की जरूरत नहीं है, सब शिक्षित है, सब इक्वल है, सब समान है। तो वहां पर अंतरिम खर्चा का प्रारंभ होना, अंतरिम खर्चा की शुरुआत होना, अंतरिम खर्चा की जो स्टार्टिंग है वही गलत है, वही से कमी है। तो चीज पूरी डिसाइड हो, एंटरिंग करके आगे प्रोसीड नहीं हो पाता केस, एंट्रिम मिलने पर लगता है, फिर केस की प्रोसीडिंग आगे की ढीली हो जाती है और आगे बस डेट टू डेट मिलती है, केस की पेंडेंसी बढ़ती है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाता है कि कितने मामले पेंडिंग है तो पेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें तो मेंटेनेंस मिल रही है। इसलिए इंटरनल मेंटेनेंस का प्रावधान खत्म होना चाहिए, और खासकर जो समान शिक्षित हैं, योग्य हैं, उनके आधार पर ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि सीआरपीसी 125 में लिखा भी है, जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम ना हो उसके लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए है, लेकिन जो सक्षम होते हैं उनको भी दिया जाता है। कई बार लड़के से ज्यादा सक्षम होती लड़की, वो ज्यादा वेल एजुकेटेड है, लड़का 10वीं पास है वो ग्रेजुएट है, लड़का 12वीं पास है वो एमबीए, ऐसे भी केस है, वो एमए है, वो ज्यादा हाईली एजुकेटेड होती है, हाईली एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड होती है, लेकिन फिर भी देना उसी, ये विभेदकारी है, ये भारत के संविधान का अवहेलना है। भारत का संविधान कभी इस बात को नहीं कहता है, कहीं भी इस बात को नहीं, लेकिन हमारे देश में इस तरह का विभेदकारी कानून, विभेदकारी नीति चल रही है। कानून की देवी आंखों पर पट्टी अभी बांधे हुए हैं, पता नहीं कब खुलेगी, कब खोल पाएंगे आप लोग, वो खुलनी चाहिए जिससे सब कुछ दिखे और समझ में आए और पता हो। जैसे कि अभी नेहा और रजनीश वाली जजमेंट आई थी, काफी अच्छी जजमेंट है, उसमें काफी चीजें क्लियर भी हुई हैं, लेकिन क्या उसके साथ एक चीज और भी जोड़ सकते थे कि जैसे अंतरिम गुजारा भत्ता डिसाइड होने के बाद टाइम लिमिट हो 2 महीने 6 महीने में केस डिस्पोज करना ही करना है, क्या मैजिस्ट्रेट के ऊपर जजेस के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन टाइम बाउंड करना चाहिए कि अंतरिम गुजारा भत्ता डिसाइड होने के बाद साल में 6 महीने में कि इतने टाइम में आपको केस डिस्पोज करना ही करना है? देखिए माननीय, जैसे कि रेप केस के अंदर 2 महीने की टाइम लिमिट है, ऐसी उसके अंदर नहीं, बिल्कुल ये है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गाइडलाइंस में और डीएलएसएफ कई चीजें आई हैं सामने, जिसमें जो फैमिली कोर्ट का सेटअप था वो शायद इसीलिए बनाया गया था, उसको अलग कोर्ट बनाई गई, मतलब प्रेमिसेज अलग रखा गया, फैमिली कोर्ट का फंक्शनिंग अलग रखी गई, स्पीडी उनकी फाइलिंग अलग है, उनके जजमेंट अलग है, सब कुछ अलग है, इसीलिए रखा कि फैमिली कोर्ट का निपटारा केसों का जल्दी हो सके, जल्दी डिस्पोजल हो सके, जिससे कि उम्र, अब होता क्या है, व्यक्ति की 25-30 साल उम्र होती है मेन, कार्य करने की, विवाह की, संतान उत्पत्ति की, सभी काम के लिए वही टाइम होता है। अब वो टाइम सारा लग जाता है कोर्ट में, ना तो उसका विकास हो पाता है, फिर उसका विनाश ही विनाश होता है, ना विकास हो पाता है, ना विकास पैदा हो पाता है, विकास के पैदा होने का भी समय निकल जाता है, विकास करने का भी समय निकल जाता है, और विकास होने देने का भी समय खत्म हो जाता है। तो इसलिए उसमें ये खामियां हैं, और अगर ये चीज टाइम बाउंड की जाए, हर केस की टाइम बाउंड होनी चाहिए, अगर टाइम बाउंड होता है तो ज्यादा अच्छा, उसमें निर्णय भी आते हैं और लोगों को ऐसे जो जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय सबको होते हुए भी दिखना चाहिए, यह अति आवश्यक है। मैं क्या जो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रावधान है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इस तरह के प्रावधान नहीं है, तो क्या ये एक हिंदुओं के खिलाफ साजिश भी हो सकती है? 498 हिंदू मैरिज एक्ट जो ये बनाया गया था, हिंदुओं के खिलाफ साजिश भी हो जाती है कि भाई लड़का केसेस में अलझा रहेगा और बच्चे पैदा होंगे नहीं, इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, इनकी बढ़ती चली जाएगी, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश भी हो सकती है? ये सिविल कोड समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जब हिंदू मुस्लिम सब बराबर है तो वो भी होना चाहिए। आपके मुद्दे में बहुत दम है, हो सकता है उस समय के लॉ मेकर्स ने ऐसा सोचा हो,
हो सकता है ऐसी नीतियां रही हो, कई ऐसे नीति हैं, कई ऐसे कानून थे जिनको माननीय मोदी जी ने खत्म किया है, हो सकता है ऐसा विषय रहा हो कि इनको ऐसा उलझा दो, उनको ऐसा नहीं है। लेकिन अब जैसे ट्रिपल तलाक भी उनके लिए आया और ऐसे ही आया है, तो सब धर्मों के हिसाब समानता होनी चाहिए, उसके हिसाब से भी ये कानून फिट नहीं बैठता, उनमें नहीं होते इनके होते हैं, तो इससे परिवारों में विच्छिन्नता आती है और इससे करेक्टरलेस होता है, लड़का अलग जाता है लड़की अलग जाती है, इसके भी और इसी का एक परिणाम होता है लव जिहाद। मैं आपकी बात को और बढ़ाते हुए कह रहा हूं, अगर ये ज्यादा केसेस ना हो, ज्यादा पेंडेंसी ना हो, तो लव जिहाद के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब ऐसी स्थिति आती तो महिलाओं को एक जगह मिलती है, उनमें खालीपन आता है और उस खालीपन को कुछ लोग धर्म के तथा कथित लोग धागा बांधकर, ओम लिखकर, टीका लगाकर, गाड़ी पे ओम लिखकर, सतिया बना करके इस तरह से दिग्भ्रमित करते हैं और फिर लव जिहाद का रूप लेते हैं। फिर उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार और अभी अभी गुजरात सरकार ने भी इस पर लव जिहाद पे कानून बनाया, उन्हें कानून बनाना पड़ता है, उसका भी ये दुरुपयोग होता है। वास्तव में सही बात है, उनका एक खालीपन भरने के लिए उन्हें एक चाहिए होता है, उस चाहिए में वही व्यक्ति आ जाता है, स्पेसिफिक धर्म का व्यक्ति, उसे बहलाता है, फुसलाता है, गुमराह करता है, फिर वो एक और रास्ता चल देता है, फिर रास्ते से लव जिहाद शुरू हो जाता है, फिर उनकी हत्याएं शुरू हो जाती हैं, फिर उनका जिस तरह से ये हुआ बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड हुआ, और भी बहुत हत्याकांड हुए, लखनऊ में हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हुए, इसीलिए इन्हें अपना बनाना पड़ा लव जिहाद का काम, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये भी शायद आपकी बड़ी अच्छी सोच है जो आपने इसको एनालिसिस किया, लोग एनालिसिस नहीं कर पाए, मैं भी व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मेरे एनालिसिस में नहीं था, लेकिन मुझे आपसे ज्ञान मिला कि क्या ऐसी संरचना हो सकती है। जब भी कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई करेगी इस मामले की, तो हम इस बात को भी ऐसे रखने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार है और हम उसको रखने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये बीजेपी की तरफ से जो ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया है, इसको हिंदू मैरिज एक्ट का जवाब माना जा सकता है? नहीं, अब लॉ मेकर्स की उनकी बहुत शाहवानों प्रकरण चल रहा था, केस चल रहा था बहुत दिनों से, वो तो डिसीजन लेना ही था, उनके चुनावी मुद्दे में भी था 370-35 से राम मंदिर और ट्रिपल तलाक, ये सब मुद्दे थे, तो उन्हें मुद्दे मोदी जी ने निपटाए हैं और अच्छी बात है। जवाब तो क्या कह सकते हैं, सरकार क्या सोचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मैराथन सुनवाई हुई जून में, गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई हुई, उसके आधार पर निर्णय अच्छा रहा, जिससे कि आगे प्रोसीडिंग हो सके और न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय होते हुए मिलना चाहिए। वो बात अलग है, कुछ लोग उसको ट्रिपल तलाक को नहीं मान रहे हैं, वो शरीयत को ही मानते हैं, शरीयत पर ही जोर देते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने अपना काम किया, कोर्ट ने अपना उसको निपटा रखा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है कि ये लीगल टेररिज्म है 498, और सरकार ने भी, जो मोदी सरकार ने भी 2014 के अंदर इसको संज्ञान में लेके इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी थी लॉ मिनिस्ट्री से, लेकिन वो भी फाइल कहीं ना कहीं दबके रह गई महिला आयोग के प्रभाव में आके, या किसी और पॉलिटिकल रीजन से वो फाइल दबके ही रह गई। तो क्या उसको, फाइल को भी आगे चलाने के लिए, उस रिपोर्ट के लिए भी कुछ किया जा सकता है? इसको कर रहे हैं, उसको भी फिर आगे देखेंगे, आप लोग कहेंगे इस बात तो फिर आगे उसको भी उठाएंगे। अभी तो ज्वाला शक्ति संगठन की तरफ से जो ये प्रोसीडिंग करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, क्या किस तरह से होना है, क्या किस तरह से करना है और क्या क्या किया जा सकता है। बेलफेरी के लिए देखिए, हम इतिहास लिखा जाता है, इतिहास में अगर डॉक्टर एपी सिंह है तो कुछ भी ऐसा प्रयास, अगर प्रयास से लोगों को सफलता मिलती है, अगर समानता आती है, अगर भारत के संविधान की रक्षा होती है, अगर सीआरपीसी आईपीसी की रक्षा होती है, अगर लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने से निजात मिलती है, अगर लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, अगर परिवार जुड़ते हैं, अगर परिवारों में टूटना खत्म होता है, अगर चरित्र निर्माण होता है, अगर चरित्र बनके अच्छी फैमिली हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग वो हर प्रयास करेंगे जिसके द्वारा हमारे देश के हर नागरिक को लिविंग का, जीने का अधिकार जो है, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, जो कानूनी संवैधानिक अधिकार दिए गए, जो हमारे प्रिंबल में दिए गए, उन सब अधिकारों को देश के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों के लिए मिलने चाहिए। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है हमारा देश, उन सबको इस पर मिलना चाहिए। आज हमने देश के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी से बात की, काफी इन्होंने हमें ज्ञान की बातें बताई, काफी अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि कानून के अंदर सुधार होने लायक हैं। सरकार को भी ये अपील
करनी चाहिए मिलनी चाहिए कि इन कानूनों को भी सुधार की जरूरत है। बाकी काफी सारे कानून मोदी सरकार ने सुधारे हैं और आगे भी इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपनसेशन के लिए डॉक्टर साहब अपील फाइल कर रहे हैं, PIL फाइल कर रहे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेंगी और डॉक्टर साहब से फिर मिलना होता रहेगा।